Welcome back to our channel, guys. आप देख रहे हैं दिव्रुश प्रॉपर्टी व्लॉग. Guys, in this video, I will show you a luxury lavish villa which is located in Sector 1, Greater Noida West. Well connected with Central Noida and all the location from this place is very nearby. So guys, अगर मैं बात करता हूँ इस टाउनशिप की, राइज रिजॉर्ट रेजिडेंस के नाम से टाउनशिप है जो कि लोकेटेड है सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में. टोटल 650 विलाज आपको देखने को मिलेंगे. बहुत ही लग्जरी और लेविश कैटेगरी के विला आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर. दोनों ही कैटेगरी के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, बेयरशेल भी मिल जाएगा और फुली फर्निश्ड भी मिल जाएगा. वीडियो में आगे चल के मैं आपको कॉस्टिंग भी बताऊंगा, किस तरीके का एलिवेशन है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ और क्या यूनिक यहाँ पर किया गया है वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं. अगर मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत ही ऐसी यूनिक अमेनिटीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर. आपको 9 होल गोल्फ कोर्स देखने को मिलेगा, बड़ा सा क्लब हाउस देखने को मिलेगा, गोल्फ कार्ट देखने को मिलेंगे जो कि आपके गेस्ट के लिए भी हैं और आपके लिए भी हैं. आपको पार्किंग से आपके विला तक ले जाने के लिए गोल्फ कार्ट की फैसिलिटी यहां पर दी गई है विद डेडिकेटेड ड्राइवर्स. सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को हम पहले भी कवर कर चुके हैं अपनी वीडियो में. अब जो कवर कर रहे हैं वो इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है वो नियर आ चुका है. और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कुछ न्यू लॉन्च भी हुआ है जिसमें कि वाटर विलास के नाम से कुछ करीबन 36 विलास लॉन्च हुए हैं. सो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे. सो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें. आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके का विला ये रहने वाला है. तो गाइज अभी हम टनल से होते हुए लोअर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुके हैं. ये हमारा विला का एंट्रेंस गेट आ जाता है. यहाँ से बेसिकली रेजिडेंशियल एंट्री आपको दी गई है. अगर मैं बात करता हूँ इस साइड, आप देख सकते हैं आपको सर्वेंट क्वार्टर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है. सर्वेंट की एंट्री रेस्ट्रिक्ट की गई है इस विला के अंदर. यहाँ पर आपको एक वॉशरूम भी प्रोवाइड किया गया है सर्वेंट क्वार्टर के साथ में. सो गाइज यहाँ से आपके सर्वेंट के लिए सीधे टेरिस तक आपको यहाँ पर एंट्री दी गई है जहाँ से वो डायरेक्ट किचन में एक्सेस कर सकते हैं टेरिस पर. सो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ विला के अंदर, दिखाता हूँ किस तरीके का एलिवेशन दिया गया है और क्या क्या यहाँ पर चीजें प्रोवाइड की गई हैं. आइए मेरे साथ. सो गाइज अब हम एंटर कर चुके हैं हमारे विला के अंदर. काफी वाव फीलिंग आ रही है हमें, बहुत ही अच्छा लेविश विला ये प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर. अगर मैं बात करता हूँ लोअर ग्राउंड फ्लोर पर आपको मल्टीपर्पज हॉल प्रोवाइड किया गया है. आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पार्टी हॉल का थीम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है. उसके अलावा अगर साइड में देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर पार्टी हॉल का थीम प्रोवाइड किया गया है, सो यहाँ इस एरिया के अंदर आपको बार काउंटर प्रोवाइड किया गया है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है. उसी के साथ में आपको एक वॉशरूम भी प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर. इसके अलावा स्लाइडर डोर के साथ आपको पर्सनल स्विमिंग पूल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है. बहुत ही अमेजिंग लुक दिया गया है इसका. सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं अपर ग्राउंड फ्लोर पर. सो बेसिकली यहां से ही आपकी मेन एंट्री रहने वाली है. जो भी आपके गेस्ट आएंगे और जो भी आपकी मेन एंट्री रहेगी वो यहां से रहने वाली है. मैं आपको एक बार बाहर की तरफ लेके चलता हूं, फिर दिखाते हैं किस तरीके का एंट्रेंस रहेगा. सो गाइज ये हमारा विला का एंट्रेंस आ गया है ग्राउंड फ्लोर से. यहाँ से अभी हम एंटर करेंगे, ये हमारा विला का फ्रंट एलिवेशन आ जाता है. आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपर ग्राउंड लेवल पर. सो गाइस जैसे हमने एंटर किया है अपर ग्राउंड लेवल के मेन गेट से, तो यहाँ पर एक मेडिटेशन पोर्ट दिया गया है. और आगे की तरफ अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर बहुत ही लेविश फीलिंग आएगी आपको. बेसिकली यहाँ पर इस लेवल पर आपको एक बेडरूम प्रोवाइड किया गया है, डाइनिंग एरिया आपको प्रोवाइड किया गया है और साथ ही में एक ओपन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है. पीछे की तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको बैकयार्ड में एक गार्डन प्रोवाइड किया गया है. व
विला में इस साइड आपको किचन एरिया प्रोवाइड किया गया है, साथ में उसका यूटिलिटी एरिया भी प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, काफी लेविश फीलिंग आ रही है यहाँ पर विला के अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको शैंडलियर लगा के दिया है, ओपन स्काई यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है। फ्लोर से अगर आप देखेंगे तो ऊपर तक आपका पूरा एयर ही रहने वाला है विला। सो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम के अंदर। ये हमारा बेडरूम एरिया आ जाता है, साथ में इसकी एडजॉइनिंग बालकनी आपको मिलेगी, अटैच वॉशरूम आपको मिलने वाला है, सारे लग्जरी फिटिंग्स और सारी चीजें कर दी जाएंगी। ये बेसिकली घर के बूढ़े लोगों के लिए होता है, यहाँ पर जो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जा सकते तो वो इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर उन्हीं के लिए बेडरूम प्रोवाइड किया गया है। सो आइए चलते हैं दूसरे लेवल पे, चलते हैं देखते हैं किस तरीके का वहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है। सो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ स्टेयर्स से, यहाँ पर एक पाउडर रूम और दिया गया है। स्टेयर्स में आप देख सकते हैं डिजाइनर लाइट्स की फिटिंग यहाँ पर कर दी गई है। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। सो बेसिकली बहुत ही अच्छी तरीके से विला के अंदर वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है, दोनों तरफ आपको बालकनीज प्रोवाइड की गई हैं। अभी हम फर्स्ट लेवल पे आ चुके हैं, विला के फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं, जिसमें कि आपको दोनों ही साइड बेडरूम्स प्रोवाइड किए गए हैं, साथ ही साथ ऑफिस थीम भी प्रोवाइड यहाँ पर किया गया है। साथ ही में ड्रेसिंग एरिया प्रोवाइड किया गया है आपको इस साइड में। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड फ्लोर पर। सो बेसिकली यहां पर आपको एक वॉकिंग क्लोजेट प्रोवाइड किया गया है। ये जो फ्लोर है हेड ऑफ द फैमिली के लिए होने वाला है, जिसमें कि आपको एक ग्रैंड बेडरूम मिलेगा, मास्टर बेडरूम मिलेगा, मास्टर वॉशरूम भी मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, स्पा जकूजी ये सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है विद अ वॉकिंग क्लोजेट। बहुत ही लेविश फीलिंग आपको आने वाली है इस विला के अंदर। सो मुझे लगता है आपको काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा विला को देखने में। इस लेवल के विलास नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं। सो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ टेरिस गार्डन की तरफ। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे टेरिस पर। यहाँ पर आपको सिटिंग स्पेस प्रोवाइड किया गया विद अ ओपन किचन, यहाँ पर आप अपना गेट टुगेदर पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस साइड से आप बैकग्राउंड में व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग व्यू रहने वाला है। प्राइवेसी कंसर्न को देखते हुए बालकनी का जो एरिया है वो थोड़ा अंदर रखा गया है। सो विला में इस साइड आपको टेरिस में एक रूम प्रोवाइड किया गया है, जो कि मल्टीपर्पज रूम है। आप इसे एज अ ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं, किड्स प्ले एरिया यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से अपने हिसाब से डिज़ाइन करा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक वॉशरूम मिल रहा है। सो गाइज होप यू हैव एंजॉयड द वर्चुअल टूर ऑफ दिस विला।
बहुत ही अमेजिंग तरीके से डिजाइन किया गया है। ऐसा विला शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। सो वीडियो में जो आपने विला अभी देखा है तो अप्रोक्सीमेटली 6500 स्क्वायर फीट का ये विला है, जो करीबन 258 स्क्वायर यार्ड का विला होने वाला है। सो बात करते हैं यहाँ पर प्राइसिंग की। सो यहाँ पर जो प्राइस स्टार्ट हो जाता है वो आपका 6700 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्राइस स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही अमेजिंग लग्जरी कैटेगरी का विला आपको मिलने वाला है। गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके आज ही अपनी विजिट अरेंज कराएं, विद फैमिली आए। मैं कह सकता हूं आपको यहां पर बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आने वाली है और देखते ही आपको ये विला पसंद आ जाएगा। सो गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड यू वुड लाइक टू विजिट हेयर यू कैन जस्ट कॉल ऑन द नंबर मैंशन बिलो ऑन द स्क्रीन एंड डेफिनेटली वी विल असिस्ट यू विद ईच एंड एवरी डिटेल एट द टाइम ऑफ विजिट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाएं ऐसी और वीडियो देखने के लिए। मैं हर वीक आपको नए प्रोजेक्ट्स दिखाता रहता हूं तो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाएं। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे और नए वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ।